मेरे को इसने बदनाम कर दिया भैया, दर्द हो रहा है निचले हिस्से के अंदर। रो क्यों रही है? पता नहीं। इसको मत ले, चल चलते डॉक्टर के पास। ऐसा ना हो कि गुल्लू से पहले मेरी डिलीवरी हो जाए। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा आंधी आ रही थी, बाहर कपड़े वगैरह पड़े थे, बहुत सारी चीजें पड़ी थी, वो सब समेट के उसके बाद फिर सो गए थे। फिर 6:30 बजे उठे, चिपू पापा गए हैं शूट पे, उनका आज गाने का शूट है, तो अभी बज गए हैं 1। अभी फाइनली सारे उठ गए हैं। अभी गोलू जा रही है हॉस्पिटल अपनी रिपोर्ट दिखा के आ रही है, और चीकू का जो है ब्लड टेस्ट कराने जा रही है। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज। वैसे तो कल हमने रिपोर्ट मैम को, डॉक्टर शिवांगी थी वहाँ पे, उनको दिखा दी थी, बट नूपुर मैम को दिखाना जरूरी है क्योंकि ये रिपोर्ट्स के बिहाफ पे मैम बताएगी कि कितने बजे आना है। वैसे तो फिक्स है कि डेट बताई हुई डिलीवरी की, बट फिर भी मैंने सोचा मैम से कंफर्म कर लेती हूँ। साथ ही साथ मेरे यहाँ पे नारियल पानी भी आ गया है, और पायल भी नारियल पानी पी रही है, नारियल पानी पी के चलते हैं। तो इधर ना मैंने पायल की रिपोर्ट और मेरी रिपोर्ट दोनों की ले ली है साथ में, और साथ ही साथ ना चीकू की जो रिपोर्ट है वो भी ले ली है क्योंकि ब्लड टेस्ट इसका बहुत जरूरी है करवाना। तो मैंने पायल को बोला, मैंने पायल तू भी साथ में चल, क्योंकि चीकू में से अकेले हैंडल नहीं होगा ब्लड टेस्ट के लिए। पायल बीपी शुगर तो ऐसे लगता है नॉर्मल हो गया ना आजकल, रोज चेक कराना पड़ता है। सही है इसका बीपी? हैं एकदम बढ़िया, मेरा शुगर भी ठीक है। हाँ तेरा होमोग्लोबिन नहीं है तेरे में, खून नहीं है, बस खून तो मैं चूस रखता हूँ। हाँ सारा मैं ही चूसती हूँ, सही बात है। मेरे को इसने बदनाम कर दिया भैया पूरी दुनिया में कि मैं खून पीती हूँ। अच्छा खून खून से इसका भी निकल रहा है। तो अब है गोलू की टर्न, गोलू का बीपी और पल्स रेट जो है वो चेक हो रही है सही है कि नहीं है। ये तो ऑपरेशन थिएटर में लगा रहता है गोलू, पल्स रेट चेक करते रहते हैं ना, डाउन तो नहीं जा रही। तो अब हाथ नीचे चीकू, अब हाथ नीचे कर सकते हो बेटी? नहीं पहली बार दिया ना पल, पर फिर भी यार डरा नहीं बच्चा नहीं। तो बोलते बच्चे इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, फिर मनाओ, इसको नहीं मनाना पड़ता। तो गोलू ना बिल्कुल मैडम के सामने गेट के सामने बैठी है ताकि ना हमारा, मैं उनसे बात कर रही हूँ इसी दिन के लिए, कहाँ जा रहे हैं कभी ऊपर। मैंने कहा अच्छा बात बताओ, इंजेक्शन बैक में लगे कितना दर्द होगा? फिर अच्छा फिर यह बात कर सकते हो? मैंने कहा ठीक है, जैसे भी होगा ना मुझे उस टाइम बता दे, मैं उनको बता रही हूँ। अभी अभी गोलू का जो है शुगर चेक हुआ है, शुगर बिल्कुल ठीक आया है क्योंकि फास्टिंग में है, फास्टिंग का जो शुगर है बिल्कुल ठीक आया है। तो गाइज आज की जो न्यूज है वो ये है कि मेरी जो डिलीवरी की डेट है ना वो थोड़ी सी आगे हो गई है, क्योंकि आगे इसलिए हो गई है क्योंकि जो मेरी रिपोर्ट थी वो सब कुछ ठीक है। डॉक्टर बोल रही है कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना चाहती हूँ, एक्सटेंड इसलिए करना चाहती है क्योंकि बेबी की जो ग्रोथ है और अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने मेरा वाटर लेवल भी चेक किया था, वो भी मतलब पहले से ठीक तो नहीं है बट नॉर्मल है जितना होना चाहिए, डॉपलर भी सब कुछ सही है, वेट भी सब कुछ सही है। तो अब उन्होंने फाइनल डेट दे दी, अपने कैलेंडर में डेट चढ़ा दी है, तो बस अब जो डेट दी है मुझे उस दिन जाना है हॉस्पिटल। और साथ ही साथ ना पायल की रिपोर्ट्स भी देखी गई थी, और पायल की रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने बस होमोग्लोबिन का इशू करा है कि होमोग्लोबिन इसका कम है, और बोला कि ब्रीच वाले जो बेबीज होते हैं बहुत नॉटी होती है, जैसे हमारा चीकू है नॉटी है, दोनों बच्चे भी आने वाले बहुत नॉटी होंगे। तो गाइस हॉस्पिटल से आने के बाद ना इतनी तेज भूख लग रही थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ना 7:30 खाना खाया था। सबसे पहले आते खाना खाया, लंच करा, लंच करने के बाद कपड़े चेंज करे हैं, तो अभी चल रही है घर की साफ सफाई, क्योंकि क्या है जब तक हम खुद डस्टिंग नहीं करते, खुद साफ सफाई नहीं करते, ड्रॉर सेट नहीं करते तो चीजें मैनेज नहीं होती। तो सारे के सारे जो ड्रॉर है वो भी सेट हो रहे हैं, सब सामान वॉशरूम से निकाला गया है, जो जो एक्स्ट्रा सामान है इस बास्केट में रख दिया, मतलब इस बकेट में रख दिया। तो गाइस सुबह ना आंधी इतनी तेज थी ना, तो हमने ये जो शेड लगवाई है ना ये शेड पूरी उड़ रही थी, मतलब इतनी तेज आ रही थी। तो हम 13 फ्लोर पे है, 13 फ्लोर पे हवा है ना और आसपास पहाड़ है, तो उसकी वजह से हवा बहुत ज्यादा आ रही थी। तो अभी मैंने उसी भैया को बुलाया जिसने काम किया है, तो ये वाले जो डंडे है ना, ये डंडे मैंने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा और लगवाया, एक और लगवाया ताकि सेफ्टी भी रहे, क्योंकि उड़ के कहीं और भी जाएगी, किसी को हार्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने बुलाया भैया को। आज ना मुझे तबीयत खराब खराब सी लग रही है, सुबह से सर में दर्द हो रहा था और अपना टमी में दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास भी गई थी उस टाइम नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सी पी और चाय पी थी, तो मैंने सोचा अभी कुछ खा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा भी परांठा आ गया, तो मैं भी परांठा खा रही हूँ। चीकू खा ले बेटा परांठा, एक पायल नहीं बोल रहा है, चीकू खा ले बेटा, भूखे पेट नहीं रहे बेटे। अभी आपने पता दवाई खाई है ना, उसका असर नहीं होगा। चीकू एक खा ले, ओनली वन। तो खाना वाना हो गया एकदम डन, और क्या बोलते चीकू को बहुत ही मुश्किल से परांठा खिलाया, एक तो खाया नहीं इसने पूरा, थोड़ा सा मतलब लगा लो 80% खाया है एक परांठे में से भी, बट फिर जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, इसकी तबीयत खराब है। तो अभी मैंने इसके लिए दूध मंगवा दिया, मैंने कहा चल सोते हुए दूध पी लो, चीकू दूध पी के सोना है ठीक है, थोड़ी देर तबीयत खराब है ना इन्हीं करनी है। गाइस अभी भी हम लोग ना सोकर उठे, पायल की तबीयत हो रही है बहुत ज्यादा खराब, इसके पेट में दर्द हो रहा है निचले हिस्से के अंदर। किससे दर्द हो रहा है पायल? हैं राइट साइड पे, यहाँ कह रही राइट साइड पे दर्द हो रहा है, तो काम करती हूँ फटाफट डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। चल चले हैं, ओडा भैया को बोलते नीचे आ जाए, इसके नीचे दर्द हो रहा है दीपक पेट में। हाँ चल, रो मत, रो क्यों रही है पागल, रो क्यों रही है?
तो कोई बात नहीं, जाने का कोई फायदा तो नहीं होता, पर सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगी ना। दर्द क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है निचले हिस्से में दर्द इतना, पता नहीं। सच में ये जो प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी का जो आखिरी टाइम है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम है। मेरी भी तबीयत ऐसी खराब खराब सी हो रही है, मतलब कि बीच बीच में तो 9वां महीना मेरा और ये 8वां महीना पायल का। चल मेरे को 2 मिनट दे, मैं 2 मिनट में शॉर्ट चेंज करती हूँ, उठा मेरे को फोन करती हूँ, जॉब चलती हूँ। ऐसे अब नहीं हो रहा, ऐसे में ऐसे करवट लेने। मैं समझ गई उसको ना, मरोड़ सी पड़ रही है पेट में। अभी इसका जो पेट दर्द है ना, सोते सोते अचानक से इतनी तेज इसने बोला आ, 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 अभी इसका बंद हो गया है। पर फिर भी रिस्क मत ले, चल चलते डॉक्टर के पास, चल चलते हैं। हाँ जी, मैं कृतिका बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही कि अभी मैम है नूपुर मैम है, कोई भी गायनी मैम है पायल के ना राइट साइड, कौन है? हेलो जी, मैं कह रही हूँ नूपुर मैम है। मैम डॉक्टर जसलीन बैठे हैं। ठीक है ठीक है, मैं पायल को लेकर आ रही हूँ। पायल के राइट साइड में बहुत तेज पेन हो रहा है। आती हूँ, चल मैम बैठे, कोई ना कोई तो मैम होती है। चल हाँ चेंज कर रही हूँ, चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। कल रात को मैं भी सो रही थी, तो मेरे भी कल मैं पायल को बोल रही हूँ, मैं पता नहीं पायल मेरे ना पेट में दर्द दर्द से हो रहा है। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये ना डिलीवरी के होने से पहले के जो सिम्टम्स होते हैं वही है शायद, डॉक्टर से बात की थी। बट पायल का तो भी टाइम है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पायल अभी हॉस्पिटल नहीं जा रही, मना कर दिया पायल ने कि मैं सही हूँ, अगर दोबारा दर्द होता पायल चलते हैं हॉस्पिटल पे। ठीक है, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा सुबह से। सर दर्द, वो सर दर्द पता है नींद की वजह से हो रहा है, इसलिए ठीक नहीं हो रहा। तो ये ना चीकू की हरकतें हैं, कभी भी ना कोई भी रैंडम फोटो लेके वॉलपेपर बना देता है। तो हम हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, देखो हंसेगा, देखना देखो 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 ये शक्ल, देखो इसकी शक्ल। तो आज बनी है घर में अरबी की सब्जी, काफी टाइम बाद, मतलब काफी टाइम हो गया, मतलब मेरे हिसाब से ना 2-3 महीने हो गया मुझे अरबी खाए हुए। मेरी तो बहुत ज्यादा फेवरेट है अरबी की सब्जी, तो आज बनी अरबी। तो मेरा भी ना शावर हो गया था, शाम को मैंने शावर ले लिया था। और ना आजकल ना मैं जो क्रीम यूज कर रही हूँ ना, बहुत अच्छी है गाइस, सच में बहुत अच्छी है। जो मैं फेस क्रीम लगा रही हूँ डे और नाइट में, जो क्रीम लगा रही, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, वो क्रीम बहुत अच्छी है। मतलब मेरी स्किन ना ड्राई है काफी, जैसे जो ये टी जोन है ड्राई है, तो वो जो क्रीम मैं यूज करती हूँ ना, उससे फेस ना एकदम हाइड्रेट रहता है। देखो अभी कितनी, 1 घंटे पहले यूज करी थी, अभी भी फेस हाइड्रेट है। और ये वाले जो केले है ना, ये वापस भिजवाने हैं, क्योंकि ये जो केले है ना कच्चे हैं, और कल चीकू को खिलाए थे तो मैंने भी खाए थे, मेरे पेट में थोड़ा अपसेट था, तो मैं सोचा बनाना खाती हूँ, तो ये सही नहीं है, वापस करवाने, बहुत कच्चे कच्चे हैं। तो यहाँ पर भी ना मैंने अपना जो हॉस्पिटल बैग है ना, वो 2 हो गए हैं। तो ये इसमें बेबी का सामान है, इसमें कुछ मेरा सामान है, दोनों मिक्स है। तो 2 बैग बन चुके हैं मेरा, अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे याद आ रही है, वो भी लेनी है, तो वो भी मैं ले आऊंगी। और आज मैंने बच्चों का ब्लैंकेट धुलवाया था वो, और उनके लंगोट पैडल ब्लैंकेट टाइप का था वो चीजें धुलवा कर सारी रखती। तो शाम की ना जोत बत्ती भी हो गई थी, उसी जब शावर लिया तब मैंने कर दी थी, बट टाइम नहीं मिला शॉट लेने का। तो आजकल क्या है कि हमारा जो स्टैंड है ना अगरबत्ती का मिल नहीं रहा, तो इसलिए आलू पे रखा हुआ है अगरबत्ती का। तो गाइस ये जो मैं एट्रैक्स गोली खाती हूँ ना, मतलब कि बॉडी इचिंग, अगर मैं ना खाऊं ना तो सोचो इतना बुरा हाल है। अभी तो मैंने ये गोली दोपहर को खाई थी, मतलब कि लगा लो जब मैं अपनी मेडिसिन ली तब खाई थी। इतनी इचिंग होती है ना बॉडी में मेरे को, तो टमी के साथ साथ ना बॉडी में भी इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा सोची थी बाहर खुले जगह, खुली मतलब हवा ले लूं। तो हम लोग छत पे आ गए थे, साथ साथ ना छत का जो काम है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, वो भी देखने आए थे। तो गाइस रात के बज गए 11, चीकू के पापा का भी शूट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा, क्योंकि उन्हें ना 9 बजे के करीब फोन किया था, तो उन्होंने कहा था 2 घंटे तक कंप्लीट हो जाएगा, बट ना शूट ने बोलते हैं 2 घंटे टाइम लग जाता है, तो वो भी इतना थक चुके होंगे, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे के करीब निकल गए थे, और बस आएंगे आके खाना वाना खाएंगे, वो भी सो जाएंगे। और बहुत हेक्टिक हो जाता है देखो, शूट में जाना, उसके बाद क्या बोलते हैं अगले दिन का जो पूरा दिन होती है थकावट में निकल जाती है। पर हमें बहुत सारे काम भी, अभी हमारा अलमारी भी, अलमारी का जो काम है वो भी नीचे कल होगा, उसके साथ साथ ऊपर जिम का काम हो गया, उसके साथ साथ चीकू के पापा ने ना अपने लिए और अभी जिम स्टार्ट करेंगे, तो सारी मशीन्स भी ऑर्डर कर दी है, तो बस थोड़ा टाइम में मशीन्स भी सारी आ जाएगी। तो आज ना मेरे पास कुछ मैटरनिटी शूट की फोटोज भी आई थी, सबसे सुंदर फोटो जो आई है ना मेरी, पायल की, चीकू की, चीकू के पापा की ना, मतलब जब मैंने ग्रीन पहना था, पायल ने पिंक पहना था, चीकू के पापा ने पूरा ब्लैक पहना हुआ था, और चीकू ने भी फॉर्मल कपड़े पहने थे, वो वाली जो फोटो है ना वो सबसे मस्त आई। उसके बाद की आउटफिट भी अच्छी थी, एक ही आउटफिट थी, बट सबसे अच्छी जो आउटफिट लग रही थी ना वो पिंक एंड ग्रीन वाली लग रही थी, कंफर्टेबल आउटफिट थी बहुत ज्यादा, और ना कलर बहुत ज्यादा खिल के आ रहा था, बहुत सुंदर लुक आ रही थी उसमें। चीकू खाना लेके आ रही, खाना खाते हैं, लिप्स तो साफ कर लो, चॉकलेट लगी हुई है। तो यहाँ पे ना मेरा और चीकू का डिनर भी हो गया, और चीकू ने ढंग से खाना खाया बिल्कुल, और अब क्या है इसकी ना दवाई ले रहा है ना, तो थोड़ा सा तबीयत जो है इसकी ठीक हो रही धीरे धीरे। चीकू इसके बाद आपको दवाई पीनी है, ठीक है? वो दवाई से याद आया, इसको कल इसके चीकू के पापा ने इसको टैबलेट खिलाई थी, तो खा ली। दोपहर को ना इसको दिन में एक बार टैबलेट खानी है, तो दोपहर को मैंने देनी थी, तो अब रात को टैबलेट देनी है। तो टैबलेट की जिम्मेदारी पायल की है, पायल ठीक है, टैबलेट चीकू। तो कल ना हमसे गलती हो गई थी, हमने चीकू को टैबलेट दिया,
और समझाया यहाँ रख और पानी पी ले, ये नहीं समझाया अंदर रखनी है, मतलब प्रॉपर समझा नहीं पाया उस टाइम, फटाफट हो गया था। तो उसको टैबलेट दी, इसने यहाँ रखी और पानी पी लिया। उसके पीने के बाद ना टैबलेट चबा रहा है, जैसे टैबलेट चबाई इसने एमसेट पी हुई थी वो भी निकल गई और फिर वॉमिट हो गई। फिर घर आके इसके पापा ने इसको इतनी अच्छे तरीके से दवाई पिलाई और दोपहर को मैंने पिलाई। आज सुबह से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा बेड से खड़े होने का, क्योंकि सुबह 3-4 बार उठे थे मैंने बताया आपको, उसकी वजह से ना कच्ची नींद की वजह से सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, और बीच बीच में उठ रहा है, बीच बीच में ठीक हो रहा है। 2-3 बार चाय भी पी ली मैंने, बॉडी में पूरा ऐसे सिकनेस सा हो रहा है और लेफ्ट साइड पे पेट में भी दर्द हो रहा है, इचिंग भी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इंटरनल भी कुछ मतलब हो रहा है जो लेडी समझ सकती है, और साथ ही साथ ना स्वेलिंग जो है पैरों में बढ़ती जा रही है, देख सकते हो आप पूरी स्वेलिंग जो है मेरे पैरों में बढ़ गई है, पैरों के साथ साथ ऊपर थाइस में भी आ गई है स्वेलिंग। अब मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि गुल्लू से पहले मेरी डिलीवरी हो जाए, ऐसे चांसेस लग रहे हैं मुझे, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। पता नहीं क्या हम तीनों को नजर सी लग गई है किसी की, मेरे को, चीकू को, गोलू को, तीनों की। अभी कहाँ प्रॉपर ठीक हुआ बेटा? मैं ये मानती हूँ ये प्रेगनेंसी का जो सेकंड मंथ होता है ना, जो वॉमिट करते हैं वो भी इतना मुश्किल नहीं रहा जितना मेरा 9वां महीना मुश्किल है। जब से 9th month स्टार्ट हुआ ना तब से हर एक दिन पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, सूजन, बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो होगी ना, क्योंकि एक तो वेट बढ़ता जा रहा है, टमी मेरा तो बिल्कुल नीचे आ गया है, जैसे ऊपर से आता ना पेट ऊपर से नहीं आ रहा, मेरा टमी नीचे की तरफ जा रहा है, और बस वेट जो है ना पूरा प्रेशर मेरे पैरों पे आ रहा है, इसलिए पैरों में भी सूजन आ रही है, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। घर में ऐसा दिल कर रहा है बस लेटी रहूं लेटी रहूं लेटी रहूं, वही कर रही हूं। तो बस गाइज इसी अपडेट के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और एक बात, नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जितने भी गाने आए हुए हमारे, जिसने नहीं देखे हैं जल्दी जाके वो गाने भी देख लो, और बहुत ही जल्द ना आप लोगों के सामने हमारा मैटरनिटी पे जो भी फोटो शूट हुआ है ना वो भी आने वाला है, हम जल्दी ही अपलोड करेंगे फोटोज और वीडियोस। मेरे घर में मेहमान आ रहे।